हरियाणा में लगातार दुष्कर्म के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि हिसार के अंदर एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और नशे की हालत में जो आरोपी होता है बच्ची को ले जाता है, बहला फुसलाकर उसके साथ रेप कर देता है और बड़ी ही दरिंदगी के साथ उसकी हत्या कर देता है। ये मामला तो शांत नहीं हुआ था, जहां पर लोगों में लगातार इतना गुस्सा देखा जा रहा था, वहीं पर मैं आपको बता दूं कि फतेहाबाद में एक और दुष्कर्म का मामला 4 वर्षीय बच्ची के साथ सामने आया है। 4 वर्ष की मासूम बच्ची जिसने दुनियादारी के बारे में कुछ देखा नहीं होगा, जिसको कुछ मालूम नहीं होगा, ना ही बच्ची को रेप के बारे में पता होगा, ना पता होगा कि रेप का क्या मतलब होता है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि फतेहाबाद के एक गांव में 4 वर्षीय बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। उसकी जो माँ है उसने आरोप लगाया है उन्हीं के पड़ोसी के ऊपर। बच्ची अपनी बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी जब उसके रोने की आवाज आई और आवाज आने के बाद माँ तुरंत बच्ची के पास पहुंची, बच्ची से पूछा कि बेटा क्या हुआ। बच्ची का कहना था कि मम्मी साथ वाले जो ताऊ हैं उन्होंने मेरे कपड़े उतारे हैं और मेरे साथ गंदी हरकत करी है। और ये बात बच्ची ने रो रो कर दर्द में अपनी माँ को बताई। माँ ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी, पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई और इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर ली है। मैं आपको बता दूं कि आरोपी जो है वो 42 वर्ष की उम्र का है और ना ही उसने अपनी उम्र का लिहाज करा और ना ही रिश्ते का, जबकि बच्ची उस आरोपी को ताऊ कहकर पुकारती थी। ऐसा ही एक और मामला फतेहाबाद के किसी गांव में सामने आया है, जहां पर सगे भाई ने, जी हाँ, सगे भाई ने अपनी ही नाबालिग बहन के साथ छेड़छाड़ करी है। दोनों मामलों में फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहे हैं और सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। मैं आपको बता दूं कि नेपाली समुदाय से जो युवती 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, फिलहाल उस आरोपी का मेडिकल हो चुका है, बच्ची का पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट्स जो है वो मैच हो गई हैं और ये सामने आ गया है कि उसी आरोपी ने, जिसका नाम मोनू बताया जा रहा है, हिसार का रहने वाला है, ऑटो चालक है, उसने बच्ची का रेप किया है और पत्थर से उसके मुंह पर कई बार वार करके जबड़ा तोड़ा गया, बच्ची के सर की एक हड्डी तोड़ी गई। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बच्ची को गला भी घोटा गया। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो हिसार में, पूरे हरियाणा में लगातार इसी तरह के रेप के केसेस, दुष्कर्म के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें और बच्ची का फिलहाल दाह संस्कार हो गया है। माँ बाप में, आसपास के लोगों में, पूरे हिसार के लोगों में लगातार इस पूरी घटना को देखकर रोष प्रदर्शन था, आक्रोश था, गुस्सा था। कल तो हिसार के अंदर कैंडल मार्च भी किया गया और लगातार आरोपी को फांसी मिले इसकी गुहार सिर्फ पूरे हिसार के लोग नहीं, पूरे हरियाणा के लोग गुहार लगा रहे हैं। मिलेंगे जल्दी किसी और नए अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए आधार न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद।